महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। मौजूदा समय में महाराष्ट्र विधानसभा की अगर बात करें तो 288 विधानसभा सीटों में सत्ता पक्ष यानी कि महायुति गठबंधन के पास 218 सीटें हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 है, लेकिन इस मैजिक नंबर को हासिल करने के लिए महायुति और MVA को खासकर 31 सीटों पर अपना दम दिखाना होगा। जहां पिछले चुनाव में जीत हार का मार्जिन 5000 वोटों से कम रहा था। महाराष्ट्र का महासंग्राम। महायुति की अगुवाई वाली BJP हरियाणा चुनाव में जीत से उत्साहित है। लोकसभा चुनाव के नतीजों की बदौलत सत्ता में लौटने की तैयारी में है MVA। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन ने महाराष्ट्र में 31 सीटें जीती थी। वोट प्रतिशत के हिसाब से महाविकास आघाड़ी को 158 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी। महायुति को लोकसभा में 17 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। महायुति के लिए मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और मुंबई की सीटें सबसे बड़ा चैलेंज है। कांटे की टक्कर में महायुति ने 15 और महाविकास आघाड़ी ने 16 सीटों पर जीत हासिल की थी। साल 2019 में जिन 31 सीटों पर कड़ा मुकाबला रहा उनमें धुले, नेवासा, भूखरदान, पुसद और रामटेक शामिल है। हाटगांव, भोकर, नया गांव, देगलूर, मुखेड, उदगीर, अहमदपुर, सोलापुर सेंट्रल, शिरोल, कराड नॉर्थ और कराड साउथ में भी कांटे की टक्कर रही है। संगोला, महाडा, पुणे कैंट, मावल, चेंबू, कांदीवली, जलगांव, भांडुप, मलाड वेस्ट, डिंडोसी, नासिक सेंट्रल, दहनू और धुले सिटी पर भी अंतर कम रहा। लोकसभा चुनाव के दौरान भी इन सीटों पर दोनों गठबंधनों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई थी। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक हालात बदल चुके हैं। पहले जहां दो गठबंधनों के चार दल आमने सामने थे, लेकिन अब 6 दल आमने सामने होंगे। सारा दारोमदार टिकट बंटवारे पर टिका है। महायुति में BJP 155 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि शिवसेना शिंदे को 78 और अजीत पवार को 55 सीटें देने का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या महायुति में वोट ट्रांसफर की है। शिवसेना और BJP 1984 में करीब आई थी। साल 2014 में कुछ समय के लिए इस गठबंधन में दरार भी आई। हालांकि 2019 विधानसभा चुनाव दोनों पार्टियों ने मिलकर लड़ा और जीता भी। इसके बाद दोनों पार्टियों में मतभेद हुए और इसके बाद उद्धव ने विपरीत विचारधारा वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। इसके पीछे दो अन्य वजह रही हैं। पहली, उद्धव महाराष्ट्र में BJP के पीछे नहीं रहना चाहते थे। दूसरा, वो अपने बेटे आदित्य ठाकरे को पॉलिटिकल करियर सुरक्षित करना चाहते थे। 28 नवंबर साल 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर उद्धव ठाकरे CM बन गए। वो किसी संवैधानिक पद पर बैठने वाले ठाकरे परिवार के पहले व्यक्ति थे। उद्धव सरकार ने कई उतार चढ़ाव से गुजरते हुए अपने 28 साल पूरे किए। शिंदे की बगावत से दो टुकड़ों में बटी है शिवसेना। शिंदे कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के खिलाफ थे। साल 2019 में उद्धव ने शिंदे को विधायक दल का नेता बना दिया। उस समय माना जा रहा था कि शिंदे की महाराष्ट्र में CM बनेंगे, लेकिन NCP और कांग्रेस उद्धव को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। इस तरह शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते रह गए। मई साल 2022 में एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ बगावत कर दी। एकनाथ शिंदे ने मणिपुर के नबाम रेबिया केस का फायदा उठा लिया। रेबिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने सत्ता से भागी हुए विधायकों की सरकार बना दी थी। शिंदे ने विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दे दिया, ताकि डिप्टी स्पीकर शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला ना ले पाए। इस बीच राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को बहुमत सिद्ध करने के लिए कह दिया। पॉलिटिकल ड्रामे के बीच उद्धव ठाकरे ने CM आवास को छोड़ दिया। एक भावुक संदेश में उद्धव ने कहा था
कि अगर मेरे अपने ही लोग मुझे मुख्यमंत्री बनना नहीं देखना चाहते तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। गुवाहाटी 5 स्टार होटल में एकनाथ शिंदे ने 42 शिवसेना और 7 निर्दलीय विधायकों के साथ फोटो जारी कर शक्ति प्रदर्शन किया। शिंदे को बागी खेमे ने शिवसेना विधायक दल का नेता भी घोषित कर दिया। 29 जून साल 2022 को उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और 24 घंटे के अंदर शिंदे ने सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। एनसीपी के 25वें स्थापना दिवस पर 10 जून साल 2023 को शरद पवार ने पार्टी के 2 कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले के नाम की घोषणा की। अजीत पवार को लेकर शरद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो नेता विपक्ष का पद संभाल रहे हैं। अजीत को कंफर्म हो गया कि अब उनका कुछ नहीं हो पाएगा। इसके बाद अजीत पवार ने बीजेपी नेताओं से मुलाकातें बढ़ाना शुरू की और 2 जुलाई साल 2023 को अजीत पवार ने 41 विधायकों के साथ महायुति ज्वाइन कर ली और शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। अजीत पवार की बगावत से जब टूट गई एनसीपी, अजीत पवार ने बीजेपी नेताओं से मुलाकातें बढ़ानी शुरू की और एनसीपी में बगावत की रणनीति तैयार की। 2 जुलाई साल 2023 को अजीत पवार ने भी 41 विधायकों के साथ महायुति ज्वाइन कर ली। महायुति ज्वाइन करने के बाद शिंदे सरकार में अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए। शिवसेना और एनसीपी के 2 अलग अलग धड़े बन जाने के बाद पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर खिंचातान मच गई। चुनाव चिन्ह को लेकर फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया। शिवसेना शिंदे को धनुष बाण और शिवसेना उद्धव को मशाल चुनाव चिन्ह मिला। वहीं एनसीपी अजीत को घड़ी और एनसीपी शरद को तुरही वादक सिंबल मिला। 2019 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो महाराष्ट्र के मुख्य रूप से 4 पार्टियां जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मैदान में थी। इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा छोटी पार्टियां भी मैदान में थी। पिछले 5 साल में एनसीपी और शिवसेना के 2-2 धड़े बन चुके हैं, यानी अब 2024 के इस विधानसभा चुनाव में 6 बड़ी पार्टियों के बीच मुकाबला है। बीजेपी, शिवसेना शिंदे, एनसीपी अजीत, कांग्रेस, शिवसेना उद्धव, एनसीपी शरद के प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं। महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी है। साल 2019 में 8.68 करोड़ मतदाता थे। साल 2024 में मतदाताओं की संख्या 9.53 करोड़ पर पहुंच गई, यानी कि 5 साल में 85 लाख नए वोटर्स जुड़े हैं। इस वक्त मतदाताओं में 4.9 करोड़ पुरुष और 4.6 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस की साख दांव पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तमाम उम्मीदें धराशायी हो गई। कई सीटों पर अपने ही बागियों ने पार्टी का सारा गणित चौपट कर दिया। जाट लैंड में हुई चूक, कांग्रेस मराठा लैंड महाराष्ट्र में नहीं दोहराना चाहती। कांग्रेस ने अपने सीनियर नेताओं को चुनाव कार्य में लगा दिया। नेताओं को ऑब्जर्वर बनाने की रणनीति में कांग्रेस ने बदलाव किया। इस बार ऑब्जर्वर्स को खास तौर पर ब्रीफ किया गया है। ऑब्जर्वर सदस्यों पर नजर रखे हुए हैं जो उम्मीदवारों को चुनौती दे सकते हैं। कांग्रेस की चिंता हाल ही में खत्म हुए हरियाणा चुनाव के नतीजों से उपजी। महाराष्ट्र के हर क्षेत्र के लिए सीनियर नेताओं को कांग्रेस ने ऑब्जर्वर बनाया है। कांग्रेस को हरियाणा में बागी नेताओं से तगड़ी चोट लगी थी। बागी हुए नेताओं ने प्रमुख सीटों पर पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के वोट काटे। सभी अनुमान गलत साबित हुए। बीजेपी फिर से राज्य की सत्ता पर काबिज हो गई। कांग्रेस अपने नाराज नेताओं को माइक्रो मैनेज करने पर खास फोकस कर रही है। महाराष्ट्र के लिए पार्टी ने जिन्हें ऑब्जर्वर बनाया वो जाने माने सदस्य हैं और उनकी सामाजिक छवि भी मजबूत है। इसके अलावा राज्य के 5 क्षेत्रों में हर एक के लिए 2 या 3 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। मुंबई कोंकण क्षेत्र के लिए अशोक गहलोत हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर, विदर्भ के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी, एमपी में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार, मराठवाड़ा के लिए सचिन पायलट और तेलंगाना के वरिष्ठ मंत्री उत्तम रेड्डी को ऑब्जर्वर बनाया गया है। पार्टी ने लोकल पैट वाले AICC पदाधिकारियों मुकुल वासनिक,
अविनाश पांडे को सीनियर कोऑर्डिनेटर बनाया। इन नेताओं का अपना राजनीतिक कद है और वे पार्टी नेतृत्व के करीबी भी हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि वे बगावती तेवर अपनाने वाले नेताओं को मनाने में कामयाब रहेंगे। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में AIMIM अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए काफी एक्टिव नजर आ रही है। संगठनात्मक बदलाव से लेकर अपनी राजनीतिक रणनीति में भी बदलाव AIMIM कर रही है। इसका सीधा असर इस बार के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। AIMIM की रणनीति से बदलेगा सियासी गणित। महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस में शामिल होने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कई बार अपनी इच्छा जाहिर कर चुकी है। ऑल इंडिया मजलिस इतुल्लाहुद्दीन मुस्लिमीन यानी कि AIMIM महाराष्ट्र के चुनाव में 1% के करीब वोट हासिल करने में सफल होती रही है। इंडिया अलायंस के दल अक्सर AIMIM पर वोट काटने का आरोप लगाते रहे। विपक्ष आरोप लगाता रहा ओवैसी की पार्टी से बीजेपी को मदद मिलती रही। AIMIM खुद इंडिया अलायंस में शामिल होने की बात कर रही है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 44 सीटों पर चुनाव लड़ा, 2 जीती और कुल वोटों का 1.34% प्राप्त किया। AIMIM खुद को मुस्लिम समुदाय में तथा कथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के मुकाबले खुद को मुसलमानों के हितेशी बताती रही है। हरियाणा में मात्र 1% से कम वोटों के चक्कर में कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ा। लोकसभा चुनाव में 0.7% वोट की बढ़त के बदौलत महाविकास अघाड़ी सत्तारूढ़ महायुति पर भारी पड़ गई थी। 1% से भी कम वोटों के चलते महायुति को 17 सीटें मिली जबकि MVA ने 31 सीटें हथिया ली। 0.7% वोट से सीटों की संख्या में इतना बड़ा डिफरेंस होने का मतलब है कि एक एक वोट की लड़ाई है। इंडिया अलायंस वाली MVA को ओवैसी को दूर रखने का मतलब है महायुति की जीत के लिए सेफ मैसेज देना। AIMIM ने लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार में भी जिस तरह से प्रत्याशी उतारे थे उससे साफ लग रहा था कि बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। AIMIM लगातार इस कोशिश में है कि वो बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ने के आरोपों से मुक्त हो सके और यही कारण है कि कांग्रेस और NCP के साथ गठबंधन का प्रस्ताव पार्टी ने दिया जिसमें 28 सीटों पर सहयोग की पेशकश की गई। हालांकि कांग्रेस इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए अनुच्छिक दिख रही है पर शिवसेना UBT नेता संजय राउत का बयान पॉजिटिव नजर आ रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए इस बार बीजेपी ने डबल एक्सपेरिमेंट किया है। अमूमन एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए बीजेपी राज्यों में चेहरा बदलती रही है, साथ ही विधायकों के टिकट भी काटे जाते रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी ने 99 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर डबल एक्सपेरिमेंट कर दिया। चुनाव से पहले 2.5 साल पुरानी सरकार में फेरबदल नहीं किया। पहली लिस्ट में सिर्फ 3 विधायकों के टिकट काटे, 75 पुराने खिलाड़ी ही मैदान में हैं। बीजेपी ने दूसरे प्रयोग के तौर पर हारी हुई सीटों पर नए चेहरों पर दांव लगा दिया। महाराष्ट्र में बीजेपी की नई रणनीति। बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी से पहले कैंडिडेट की घोषणा कर दी। मध्य प्रदेश और हरियाणा की तरह विधायकों के टिकट नहीं काटे। हर चुनाव में बीजेपी करीब 20% विधायकों को बदलती रही। हरियाणा में बीजेपी ने 5 मंत्रियों समेत 11 विधायकों के टिकट काटे थे। इसका नतीजा रहा कि 88 सीटों में से 48 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए। महाराष्ट्र में बीजेपी ने UP से सबक लेते हुए पुराने विधायकों को रिपीट किया। अगर ये ट्रिक्स काम आया तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी की हैट्रिक तय है। जहां पार्टी के विधायकों की सीटों पर एंटी इनकम्बेंसी है वहां एकनाथ शिंदे या अजीत पवार का प्रत्याशी लड़ेगा। जहां उन दोनों दलों के विधायकों के खिलाफ लहर होगी वहां बीजेपी का कैंडिडेट होगा। इंटरनल रिपोर्ट पर महायुति के घटक दल सीट बदलने को राजी हुए हैं। अगर ऐसा होता है तो सत्ता विरोधी लहर का असर कम ही रहेगा। बीजेपी ने हरियाणा में काफी विधायकों के टिकट काटे थे। बीजेपी ने निगेटिव फीडबैक देने वाली सीट पर एक नया अल्टरनेट खोज निकाला है।
मौजूदा समय में महाराष्ट्र विधानसभा की बात करें तो 288 विधानसभा सीटों में सत्ता पक्ष यानी कि महायुति गठबंधन के पास 218 सीटें हैं। बीजेपी ने साल 2019 में 105 सीटें जीती, 2014 में बीजेपी को 122 सीटें मिली थी। महाराष्ट्र विधानसभा की मौजूदा स्थिति, बीजेपी के पास 106 सीटें हैं, शिवसेना सिंधे ग्रुप के पास 40 सीटें हैं, एनसीपी अजीत गुट के पास 40 सीटें हैं, बीवीए 3, बीजेपी 2 और मनसे की 1 सीट है, आरएसपी की 1 सीट, पीडब्ल्यूपीआई की 1 सीट, जेएसएस की 1 सीट और निर्दलीय 12 सीट है। महागाड़ी विपक्ष के पास 77 सीटें हैं, जिनमें कांग्रेस के पास 44 सीटें हैं, एनसीपी शरद पवार 13 सीटें हैं, शिवसेना यूपीटी के पास 16 सीटें हैं, माकपा के पास 1 सीट, एसडब्ल्यूपी के पास 1 सीट और निर्दलीय के पास 1 सीट है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी का महायुति गठबंधन फिलहाल सत्ता बराबर रखने के लिए पुरजोर कोशिशें कर रहा है। वहीं सत्ता पाने के लिए शिवसेना यूबीटी, एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी चुनाव में जोर आजमाइश कर रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका जरूर लगा था, लेकिन हरियाणा की जीत ने पार्टी को बड़ी संजीवनी देने का काम किया। इस विधानसभा चुनाव में चीनी कारखानों की बहुलता वाले पश्चिम महाराष्ट्र में मुख्य टक्कर चाचा शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच ही देखने को मिलेगी। इसके बाद अधिकांश सीटों पर कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से है, शिवसेना का मुकाबला शिवसेना यूबीटी से होगा। सत्ता का रास्ता तय करेगा पश्चिम महाराष्ट्र। वसंत दादा पाटिल, यशवंत राव चौहान, बिट्ठल राव विखे पाटिल, शरद पवार जैसे तमाम दिग्गज नेता इसी क्षेत्र की देन है। स्वतंत्र भारत में सहकारिता आंदोलन की स्थापना करने और उसे परवान चढ़ाने का श्रेय भी इसी क्षेत्र को जाता है। महाराष्ट्र के इस क्षेत्र में 6 जिले पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर और अहमदनगर आते हैं। अहमदनगर का कुछ हिस्सा उत्तर महाराष्ट्र से लगा हुआ है, लेकिन इसकी गिनती पश्चिम महाराष्ट्र में ही होती है। 1999 में शरद पवार के कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाने के बाद इस क्षेत्र पर कांग्रेस से भी ज्यादा पावर की पकड़ मजबूत हो गई है। साल 2009 तक इस पूरे क्षेत्र में इन दोनों दलों के अलावा किसी और दल की दाल गलती नजर नहीं आती थी। बीजेपी ने धीरे धीरे पश्चिम महाराष्ट्र में अपनी पैठ बनाई और अब काफी स्ट्रांग स्थिति में है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में भी पश्चिम महाराष्ट्र में कांग्रेस राकपा ही का ही पलड़ा भारी था। अविभाजित राकपा को 27 और कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी। बीजेपी को 20, अविभाजित शिवसेना को 5 सीटें मिली थी। बड़े दलों के बीच इस क्षेत्र में स्थानीय क्षत्रपों की भी स्थिति काफी अच्छी है। पिछले चुनाव में भी क्षेत्र से 4 निर्दलीय और 2 अलग अलग छोटे दलों के विधायक जीतकर आए थे। अजीत पवार के साथ आने वाले ज्यादातर विधायक पश्चिम महाराष्ट्र के हैं, इसलिए उनके हिस्से में ज्यादातर सीटें भी पश्चिम महाराष्ट्र से ही आई हैं। अजीत पवार का सीधा मुकाबला इस बार राजनीति की सभी कलाओं के माहिर अपने चाचा शरद पवार से ही है। दो नेता छत्रपति संभाजी राजे एवं किसान नेता राजू शेट्टी का प्रभाव क्षेत्र भी यही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधनों का गणित सेट होने लगा है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली महायुति में शामिल एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजीत पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में
सीट शेयरिंग पर बातचीत अंतिम दौर पे है। बीजेपी ने विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है, तो वहीं विपक्षी महाविकास अघाड़ी MVMA सीट बंटवारे का पेच अब तक नहीं सुलझ सका है। दोनों गठबंधनों में जारी कवायद के बीच अब सूबे के चुनावी रण में एक तीसरे गठबंधन की एंट्री हो गई है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद रहे संभाजी राजे छत्रपति की अगुवाई में हुए इस नए गठबंधन में राजू शेट्टी की पार्टी स्वाभिमानी शेतकारी पक्ष, बच्चू कुड़ू की अगुवाई वाली प्रहार जन शक्ति पार्टी भी शामिल है। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी ने मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल और वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर को भी इस तीसरे गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया है। परिवर्तन महाशक्ति के गठन ने महायुति और MVA दोनों ही गठबंधनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस गठबंधन को अगर मनोज जरांगे पाटिल भी समर्थन देते हैं तो ये विपक्षी MVA के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। लोकसभा चुनाव नतीजे देखे तो मराठवाड़ा रीजन के 46 विधानसभा सीटों में से 31 सीटों पर MVA की पार्टियों के उम्मीदवार आगे रहे थे। किसान नेता राजू शेट्टी का प्रभाव पश्चिम महाराष्ट्र में अधिक है। विदर्भ रीजन की सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी की फाइट को ही निर्णायक माना जाता है। परिवर्तन महाशक्ति की एंट्री से सरकार से नाराज एक मुश्त वोट की उम्मीद लगाए MVA की टेंशन बढ़ गई है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन का गढ़ रहे मराठावाड़ा पर विधानसभा चुनाव में सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि जातीय ध्रुवीकरण से प्रभावित इस क्षेत्र की 46 विधानसभा सीटें क्या गुल खिलाएगी इसका अनुमान अभी किसी को नहीं है। मराठावाड़ा ने 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा शिवसेना गठबंधन को 28 सीटें दी थी, भाजपा को 16 और शिवसेना को 12 सीटें मिली थी। कांग्रेस और राकांपा को 8-8 सीटें और अन्य को 2 सीटें मिली थी, लेकिन साल 2023 के मध्य से मराठा समुदाय को कुनबी का दर्जा देकर अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे में आरक्षण दिलवाने के लिए शुरू हुए आंदोलन ने पूरे मराठवाड़ा की हवा बदल दी है। मराठवाड़ा आंदोलन ने पिछले लोकसभा चुनाव में मराठवाड़ा से भाजपा को एक भी सीट नहीं जीतने दी। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए मराठवाड़ा के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाए थे। मराठवाड़ा क्षेत्र की कुल 8 लोकसभा सीटों में से 3 कांग्रेस जीती, 3 शिवसेना UBT और राकांपा शरद चंद्र पवार एवं 1 शिवसेना शिंदे ने जीती। जातीय गणित के आधार पर देखें तो 8 में से 7 मराठा उम्मीदवार जीते। 8वीं सीट लातूर की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, यहां भी उम्मीदवार कांग्रेस का ही जीता। छत्रपति संभाजी महाराज नगर में मतदाताओं ने शिवसेना UBT के OBC उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे को हराकर शिवसेना शिंदे के मराठा उम्मीदवार संदीपन भूमरे को जिताया। गोपीनाथ मुंडे मराठवाड़ा क्षेत्र के बड़े OBC नेता रहे हैं, आज उनकी विरासत उनकी बेटी पंकजा मुंडे संभाल रही हैं। अजीत पवार के महायुति सरकार में शामिल होने के बाद पंकजा के चचेरे भाई धनंजय मुंडे भी अब पंकजा के साथ आ चुके हैं। विजयदशमी के दिन 11 साल बाद दोनों भाई बहन एक साथ एक मंच पर नजर आए। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में मराठों की आबादी 28% तो OBC की आबादी 92% है। मराठा और OBC ध्रुवीकरण के साथ साथ मराठावाड़ा की 15% मुस्लिम आबादी भी अपना असर दिखाने से लगी चुकेगी। खासतौर से अस्तुद्दीन ओवैसी की AIMIM इस क्षेत्र में अपना अच्छा असर रखती है। मराठावाड़ा कभी हैदराबाद के निजाम की रियासत का हिस्सा हुआ करता था। 2019 में हैदराबाद के बाद औरंगाबाद देश की दूसरी ऐसी सीट बनी जहां AIMIM के उम्मीदवार इम्तियाज जलील ने जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार AIMIM के उम्मीदवार इम्तियाज जलील चुनाव हार गए। इम्तियाज जलील कुछ ही दिनों पहले छत्रपति संभाजी महाराज नगर से मुंबई तक एक बड़ी कार रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं। ये सारे समीकरण मिलकर तय करेंगे कि मराठवाड़ा में ऊंट इस बार किस करवट बैठेगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अपना सिक्का चलाने में सफल हुए हैं।
सीटों के बंटवारे में सीएम शिंदे मुंबई में अपनी पार्टी के लिए 15 सीटें हासिल करने में कामयाब हो गए हैं, जबकि मुंबई की 36 विधानसभा सीटों में से 18 पर बीजेपी और 3 पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की एनसीपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कौन कितना मजबूत है। इस इलाके में मुंबई शहर और मुंबई उपनगर जिले हैं। इन दो जिलों में कुल 36 विधानसभा सीटें हैं। 2019 में यहां बीजेपी ने 16 और शिवसेना ने 14 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने 4 और एनसीपी ने 1 सीट हासिल की थी। 1 सीट अन्य को मिली थी। शिवसेना और एनसीपी के दो दो धड़ों में टूटने के बाद के समीकरण बदले। लोकसभा चुनाव के विधानसभावार नतीजों के आधार पर बीजेपी 9 सीटें, शिवसेना शिंदे गुट 7 सीटें जीती। शिवसेना उद्धव गुट को 15 और कांग्रेस 5 सीटें जीती। विदर्भ महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इलाका है। इसमें कुल 11 जिले और 62 विधानसभा सीटें हैं। विदर्भ में अकोला, नागपुर, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाल, वाशिम, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया और वर्धा जिले शामिल हैं। 2019 में इस क्षेत्र की 29 सीटों पर बीजेपी और 4 सीटों पर शिवसेना ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने 15 और एनसीपी ने 6 सीटें हासिल की थी। अन्य के हिस्से 6 सीटें आई थी। लोकसभा चुनाव 2024 के विधानसभावार नतीजे देखे तो बीजेपी को 14 सीटों का नुकसान हुआ। कांग्रेस को 14 सीटें बढ़ी, 4 सीटों पर शिवसेना शिंदे गुट जीती, जबकि एनसीपी अजीत पवार को किसी सीट पर बढ़त नहीं मिली। विदर्भ में आरएसएस और बीजेपी के नितिन गडकरी की मजबूत पकड़ है। इस इलाके में ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग जिले हैं। इन 5 जिलों में कुल 39 सीटें हैं। ये इलाका समुद्र से लगा हुआ है, इसीलिए इसे कोस्टल रीजन भी कहते हैं। ये इलाका शिवसेना का गढ़ माना जाता है। 2019 में यहाँ बीजेपी ने 11 और शिवसेना ने 15 सीटें जीती थी। एनसीपी 5 सीटों पर काबिज हुई थी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। अन्य ने 8 सीटें जीती थी। 1 सीट राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने जीती थी। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट के हिसाब से देखें तो बीजेपी 11 सीटें जीती, शिवसेना के वोट बैंक पट गए, शिंदे गुट 4 सीटें और उद्धव गुट 9 सीटों पर जीता। कोंकण में ये चुनाव शिवसेना शिंदे वर्सेस शिवसेना उद्धव होने वाला है। इस इलाके में असली और नकली शिवसेना का चुनावी मुद्दा बन सकता है। मराठवाड़ा में औरंगाबाद, बीड, जालना, उस्मानाबाद, नांदेड़, लातूर, परभणी और हिंगोली जिले शामिल हैं। मराठवाड़ा के 8 जिलों में कुल 46 विधानसभा सीटें हैं। मराठवाड़ा इलाके में आरक्षण, पानी और विकास 3 बड़े मुद्दे हैं। 2019 में यहां पर बीजेपी ने 16 और शिवसेना ने 12 सीटें जीती थी। कांग्रेस और एनसीपी 8-8 सीटें जीतने में कामयाब हुई। 2 सीटों पर अन्य ने जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव 2024 के विधानसभावार नतीजों के हिसाब से बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान हुआ। 6 सीटों की बढ़त के साथ कांग्रेस ने 14 का आंकड़ा छू लिया। शिवसेना उद्धव 15 और एनसीपी शरद 3 सीटें जीती। मराठवाड़ा में महाविकास अघाड़ी का मोमेंटम है। इस चुनाव में यहां जाति और रिजर्वेशन अहम रोल निभाएंगे। जो अलायंस इसे साध पाएगा वो मराठवाड़ा में बाजी मार सकता है। पश्चिमी महाराष्ट्र में कुल 5 जिले और 58 विधानसभा सीटें हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र में पुणे, सांगली, सतारा, सोलापुर और कोल्हापुर शामिल है। शक्कर का कटोरा कहलाए जाने वाले इस इलाके में पवार परिवार की पकड़ मजबूत है। यहां से ज्यादातर विधायक एनसीपी के ही जीतते हैं। 2019 में यहां बीजेपी ने 17 और शिवसेना ने 5 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस ने 10 और एनसीपी ने सबसे ज्यादा 21 सीटें जीती थी। अन्य 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। लोकसभा चुनाव 2024 के विधानसभावार नतीजों को देखें तो बीजेपी 14 और शिवसेना शिंदे गुट 7 सीटें जीता था। एनसीपी अजीत गुट केवल 2 ही सीटें जीत सकी। एनसीपी शरद गुट सबसे ज्यादा 16 सीटें जीता था। कांग्रेस इस क्षेत्र में 10 और शिवसेना उद्धव गुट 4 सीटों पर काबिज हुई।
इस चुनाव में पश्चिमी महाराष्ट्र में शरद पवार वर्सेस अजीत पवार हो सकता है। यहाँ चाचा भतीजे के बीच राजनीतिक लड़ाई है। यहाँ भी असली और नकली एनसीपी का मुद्दा हावी रहेगा। उत्तरी महाराष्ट्र में अहमदनगर, धुले, जलगांव, नंदुरबार और नासिक जिले हैं। पांच जिलों में कुल 47 विधानसभा सीटें हैं। 2019 में उत्तरी महाराष्ट्र में बीजेपी ने 16 और शिवसेना ने 6 सीटें जीती थी। एनसीपी ने 13 और कांग्रेस ने 7 सीटें जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव को विधानसभावार नतीजों को देखें तो यहां सबसे ज्यादा 23 सीटें बीजेपी जीती। बीजेपी को 7 सीटों का फायदा हुआ। शिवसेना शिंदे गुट 6 सीटें जीती। एनसीपी अजीत का खाता भी नहीं खुल पाया। कांग्रेस 5 और शिवसेना उद्धव को 6 सीटें जीती। इस इलाके में शिवसेना और एनसीपी में टूट का मुद्दा भी बड़ा है। महाराष्ट्र में एक बार फिर कमल खिलेगा या उद्धव ठाकरे सत्ता हासिल करने में कामयाब रहेंगे, ये ठाकरे को पटखनी देने के लिए जोर लगा रहे हैं, लेकिन मुकाबला किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।